तो स्वागत है आप सभी ऑनरी गेस्ट का। अब मैं बताना चाहूंगा, ओपी चौधरी जी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फिशरीज में, वो आईएफएस ऑफिसर भी रहे हैं मध्य प्रदेश केडर के 1989 बैच के। उनका काफी एक्सपीरियंस है फील्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में। आज प्रेजेंटली वो काम कर रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो सारे पॉलिसी मैटर्स पे भी डील करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्कीम से भी डील करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से। वो काम कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑफ लीडर फॉर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। और चौधरी जी के बारे में हम ये भी बताना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को कि वक्त वक्त पे जितनी भी इंडस्ट्री को जरूरत पड़ती है हमारे एसोसिएशन के माध्यम से और इंडस्ट्री के माध्यम के और इंडस्ट्री के फेवर में वो कोशिश करते रहते हैं हमारे आदरणीय गिरिराज जी के साथ और अपने सेक्रेटरी श्री अतुल चौधरी के साथ पोल्ट्री इंडस्ट्री को मदद करते हैं वक्त वक्त पे। कोरोना काल में काफी जरूरत पड़ी हमको, हर चीज में काफी तकलीफ आ रही थी, लेकिन हर वक्त चौधरी जी ने इंडस्ट्री का साथ दिया और वक्त वक्त पे सारे पॉलिसी मैटर्स में और आसानी से हम कारोबार कर पाए, इसलिए काफी पत्रकारिता और चिट्ठी लिखकर अपने स्टेट एजेंसीज को और एनिमल हस्बेंड्री स्टेट डिपार्टमेंट को भी पहुंचाई और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी पहुंचाई ताकि हमारा व्यवसाय अच्छी तरह और बहुत स्मूथली चल सके। तो थैंक यू चौधरी जी फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट। अब मैं निवेदन करूंगा उन सज्जन का जिनके बगैर हम शायद कभी भी पोल्ट्री के बारे में सोच नहीं सकते। जब भी कोई, जिसे कहते हैं ना, गो टू द पर्सन, अगर कहीं कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो पहला नाम आता है ओपी चौधरी साहब का कि यार चौधरी साहब से बात करो, रास्ता बताएंगे कि कैसे सर्वाइव करना है इस सेक्टर में। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो फीड क्राइसिस हो, चाहे वो इम्पोर्ट क्राइसिस हो, या कुछ भी क्राइसिस हो, जैसे संकट मोचन हम बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो है हमारे चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका स्वागत है, आपने टाइम निकाला, हमारे बीच आए। मेरा निवेदन है कि आप अपने विचार रखें, क्योंकि आपको सुनने के लिए हम हमेशा तरसते रहते हैं। चौधरी साहब, मंच इज योर्स। धन्यवाद सरदाना साहब, आपने मेरी ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं तो नौकरी करने वाला आदमी हूं, तो बस सेवा करता रहता हूं आप लोगों की। मुझसे पहले जो बातचीत हुई है और हमारे साथियों ने बोला है, उसमें काफी बातें कवर हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं तो देसी टाइप का ही आदमी हूं, आप लोगों में से एक हूं, और इस कई साल इस डिपार्टमेंट में मैं हूं, तो मैंने कुछ आप लोगों से सीखा है और समस्याओं को सुना है, इंडस्ट्री की समस्याओं से अवगत हुआ हूं। तो उस पे कई बार जब मेरा सामना होता है तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल। इनफैक्ट जो मैं कुछ सालों में यहाँ समझ पाया, एक बात तो मेरी समझ में ये स्पष्ट आई कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसमें ये जो सरकारी महकमा है हमारा, वह तो वेलफेयर स्टेट होने के कारण छोटी मोटी स्कीम चलाता रहता है, मदद करता रहता है, लेकिन सत्य यह है कि हमारे जो देश के किसान भाई हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर जिनको हम बोलते हैं, इस मुकाम पर उन्हीं ने अपनी ताकत से इस इंडस्ट्री को यहां तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो जो भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किसान से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को आप लोग आगे ले गए, जिससे देश में भी वेल्थ क्रिएट हुई और आम आदमी को चीपेस्ट प्रोटीन अवेलेबल हुई। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। नहीं तो बहुत पुरानी बात नहीं है, जो हम देखते रहते थे कि वो हमारे गांव में भी जो मुर्गे घूमते रहते थे, जिसको आप आज बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हो,
तो दो चार मुर्गे दर से दर कू करते रहते थे। ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की एक इंडस्ट्री के रूप में मुर्गा भी एक इंडस्ट्री के रूप में उभर के आएगा, जो आप लोगों के प्रयास से संभव हो पाया। आपने उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया और इसको आगे बढ़ाया। अब ये जो इंडस्ट्री है, मुझे बताया कि लगभग 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है, तो इसकी बहुत बड़ी ताकत एक पैदा हो गई है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब अभी डबल ट्रिपल और भी इस इंडस्ट्री को हम आगे ले जा सकते हैं। 80% जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके बाद जो 20% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री का, वहां भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। इसलिए हमने अभी जो स्कीम बनाई है वो रूरल पोल्ट्री पे एक स्कीम बनाई है, आपसे ही सीख के, आपका ही जो इंटीग्रेशन मॉडल है उसको हमने रूरल पोल्ट्री में लगा करके और उसको हब एंड स्पोक मॉडल में, जिससे कि उसको एक सेमी जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया जा सके। क्यों, कोई चीज थोड़ी ऑर्गेनाइज होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होते हैं, वैल्यू एडिशन होता है, बीमारी का इलाज होता है और तकनीकी का एक इंट्रोडक्शन होता है, तभी वो चीज आगे बढ़ पाती है। जो कि हमारी रूरल जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसमें ये सब चीजें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो उनसे वंचित रह जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया जिसको कहते हैं ये छुपा हुआ बैठा है, जिसको के हम टेप कर सकते हैं आने वाले समय में। इम्पोर्टेंट जो बात है कि कोई भी चीज आगे कैसे बढ़ती है, अगर हम बुनियादी चीजों पर नजर डालें तो हमारी समझ में आता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के कारण है कि एक तो देश में एक सारे क्षेत्रों में उन्नति हुई, मिडिल क्लास की साइज बढ़ी तो उनकी जेब में थोड़ा पैसा आया, तो पैसा आया तो एक मार्केट डेवलप हुआ, तो उसी के पैरेलल फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। तो दूसरा जो आपका इंटीग्रेशन वाला मॉडल है, जिसमें आपने किसानों को भी जोड़ लिया और पूरी वैल्यू की चेन बना ली, तो जो प्रोसीजर आपने डेवलप की, मेथड मैनेजमेंट का जो मेथड डेवलप किया, वो इसका दूसरा कारण है राइजिंग इनकम के अलावा। परचेजिंग पावर तो लोगों के पास आई, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन के मेथड से उसको चीप कंज्यूमर को अवेलेबल कराया, सस्ता, बाकी तुलना में जो प्रोटीन मिलती है उसको आपने सस्ते के रूप में एक कंज्यूमर को उपलब्ध कराया, तो एक मार्केट ये डेवलप हुआ। और इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च वाला पार्ट है कि आपका जो पुराना मुर्गा था, मुर्गी थी, वो कम अंडे देती थी, उसमें फूड कन्वर्जन रेशो कम था, वहां भी आपने इसमें काफी आगे ले गए, अंडे की संख्या जबरदस्त बढ़ी और फूड कन्वर्जन रेशो भी बढ़ा, और ब्रॉयलर के आने के बाद तो फिर कमाल ही हो गए। तो इसका मतलब है कि चीजों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में पहले हम मार्केट देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि मेथड ऐसे हों जो सरल हों और ज्यादा लोग उसमें शामिल हो पाए, फिर हम देखते हैं ये टेक्नोलॉजी के वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो ऐसी हो कि जो माल तैयार हो रहा है वो कम इनपुट से और ज्यादा माल तैयार। तो ये सारी जो बातें हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। और इंडस्ट्री में रेजिलेंस भी खूब है, कितनी भी मार इस पर पड़ती है लेकिन फिर उठ करके खड़ी हो जाती है, मैं देखता हूं उसको बार बार। कई साल से मैं देख रहा हूं कि नई नई बीमारियां आती हैं और फिर इंडस्ट्री गिर जाती है, फिर आप लोग मेहनत करके इसको आगे उठाते हो, उसके लिए भी मैं आपके धैर्य का और आप जो ये भय इसमें है, इनसिक्योरिटी है, उस पर जो आप काबू पाते हो उसका भी मैं दाद देता हूं कि आप लोग इंडस्ट्री मैं जानती हुई भी कि कितनी बड़ी रिस्क है, अगर कोई बीमारी आ गई तो उसमें दुनिया भर के जो पक्षी मर जाते हैं और उसके बाद कितना नुकसान होता है, मार्केट बंद हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको परेशान करता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत जाती है, फीड नहीं मिल पाता है, तो छोटे किसान डेसिमेट हो जाते हैं और बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी जबरदस्त नुकसान होता है। तो
झटके से निकलने में आपको जब तक टाइम लगता तब तक आगे और कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसमें जो चैलेंजेज हैं उसके बावजूद भी आपने इसको आगे बढ़ाया। अब हम लोग जो है, हम हो गए, सरदाना साहब हो गए, बाकी इंडस्ट्री में अपने गुलरेज भाई हैं, बहादुर अली साहब हैं, सब जो आप लोग हो, सुरेश जी हैं और बहुत लोग हैं जो कि हम एक टीम की तरह काम करें। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुर्सी के इधर बैठा हूं कि आप उधर बैठे हो। हम सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो उसको समझते हैं, सरकार क्या मदद कर सकती है, आप लोग क्या कर सकते हो। तो एक तरह से जो देश के हित में जो बेस्ट हो सकता है वो अपन लोग करते रहे हैं। इसमें कहीं बीच में कोई हमको आज तक कोई परेशानी नहीं खड़ी हुई है। उसी सिलसिले में फिर मैं ये बात मेरी समझ में आती है कि अब जो दो चार जो चैलेंजेस बीच में थे, सरदारा साहब को तो शुरू से ही पता है कि एनिमल वेलफेयर का एक चैलेंज था। वो इतना बड़ा चैलेंज था कि अगर वो ठीक से हैंडल ना किया जाता तो वो आपको इससे जो बीमारियों से तो आप बाद में लड़ते, पहले तो वही आपका काम तमाम हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो भी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, हमने उस दौरान देखा कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी चीजों को उस तरह पेश नहीं कर पा रही है जिस तरह चीजों को पेश करना चाहिए। अब जैसे ये केज का मसला है, अब हमने सरदाना साहब ने बाकी लोगों से साइंटिफिक कम्युनिटी से चर्चा करके जो ये बात ऑथोरिटीज के सामने रखी कि ये केज जो है ये क्रुएलिटी नहीं है, ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का एक वर्जन है। अब वो बात सब जगह मानी गई। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मसले हैं एनिमल वेलफेयर रिलेटेड मसले हैं, आगे और इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और आप जानते हो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत इसमें काम करते हैं, तो एनिमल वेलफेयर एक बहुत बड़ा भविष्य में आपको चैलेंज आने वाला है। तो इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी को अलर्ट रहना पड़ेगा और सही माने में ऑथोरिटीज के सामने ये बातें कि क्रुएलिटी क्या है और क्रुएलिटी क्या नहीं है ये बताना पड़ेगा। जनमानस में सूडो साइंस घूमती रहती है, जनमानस में कॉमन सेंस जो जो आदमी अपने मन में मिथ बना रखी है वो घूमती रहती है, तो उनसे ऊपर उठ के जो साइंस है उसको फ्रंट पे लाना पड़ेगा और ऑथोरिटीज है, जुडिशियरी है, जहां ये डिसीजन होते हैं उनको बताना पड़ेगा। और आप जानते हो हम लोगों ने ये किया और लोगों की समझ में आया। ऐसे ही एक बड़ा इशू है ये आपका जो हर साल। सर मेरा निवेदन रहेगा अगर हम डिजीज वाला एस्पेक्ट ले लें, क्योंकि टाइम में और भी फैक्टर आएंगे क्योंकि इश्यूज बहुत सारे। हाँ, खत्म करने वाला हूं। एक जो आपका डिजीज वाला इशू है जिसकी अभी सरदाना साहब बता रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण इशू है कि हर बार हम देखते हैं कि आउटब्रेक हो जाते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, और हर बार आपका जानवरों पक्षियों को आपको मारना पड़ता है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी को इसमें देखना पड़ेगा कि जो पहले चला आ रहा है और हमें नए सिरे से इसमें क्या कोई वैक्सीन बनाना और ओआई को जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मानते हुए और कोई प्रिवेंटिव बात इसमें वैक्सीन बन सकता है क्या, आपका लो पैथोजेनिक हाई पैथोजेनिक उनकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको डीएनए को ट्रैक करना, तो ये जो सारे इश्यूज हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से न सोच करके उसको साइंटिफिक तरीके से सोच के और इसमें आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक इसमें एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट भी है। मैं आपको बता दूं 500 जगह पे जहां इस तरह के पोल्ट्री के जो वो है फार्म है वहां आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि साहब इस फार्म को हटाओ, क्योंकि उनको जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ेगा।
तो ये कुछ बातें हैं, चैलेंजेस हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग इनको डिसीज रिलेटेड तो खासतौर पर इसको एड्रेस करोगे, और बाकी क्योंकि टाइम बाकी स्पीकर्स भी हैं, तो मैं इतनी बात कहके और इस सेमिनार का, इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं, और आप लोगों ने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। इनफैक्ट आपसे जितनी बात की जाए उतना कम होता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप हैंडल कर रहे हैं, और हर मुद्दा क्रूशियल है किसानों के लिए, पोल्ट्री सेक्टर के लिए। अनफॉर्चुनेटली आज हमने सिर्फ फोकस डिजीज पे किया, इसलिए मुझे सॉरी इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं सर। आपसे हम पूरा दिन का सेशन रखना चाहेंगे कभी, और कैसे उन चीजों को एड्रेस किया जाए, लेकिन आज जो आपने बातें रखी, एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव दिया। मेरे को लगता है कि जितने हमारे किसान भाई हैं और इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सुविधा होगी समझने के लिए कि सरकार को सब चीजों के बारे में पता है और हर लेवल पे काम हो रहा है, और एक टीम वर्क की जरूरत है जैसा आपने कहा, और आने वाले समय में इस पार्टनरशिप को और इस टीम वर्क को हम आपके मार्गदर्शन में और बढ़ाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे।